Bill Cut. हेलो गाइस, फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गियर कैसे डालते हैं अपनी गाड़ी में। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गाड़ी चलाने के टाइम बार बार इस गियर नॉब की तरफ देखते हैं कि गियर किस डायरेक्शन पे कैसे क्या लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कैसे क्या गियर लगाने चाहिए और कौन सी प्रॉपर वे है गियर डालने की, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टिप नंबर वन ये है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है, तो इसे पता करने के लिए आपको पहले आप देख सकते हैं गियर मेरा बिल्कुल सीधा है, ना ज़्यादा आगे ना पीछे, बिल्कुल सेंट्रल में खड़ा है, ठीक है। और न्यूट्रल होगा तो कैसे पता, पहले आपको अपनी गाड़ी का क्लच दबाना है, ठीक है। और क्लच दबाने के बाद आपको इसे लेफ्ट करना है और राइट करना है। अगर ये दोनों इस तरफ उस तरफ हो रही है, दोनों साइड जा रही है, इसका मतलब आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है। मान लो अभी किसी गाड़ी में गियर लगाए, ठीक है, तो ये इधर उधर नहीं होगी, ठीक है। अगर न्यूट्रल है आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी का जो गियर नॉब है वो लेफ्ट और राइट की तरफ टिल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना न्यूट्रल। तो अब बात करते हैं पहले गियर के बारे में, पहले गियर कैसे लगता है। तो पहले गियर के बारे में बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि क्लच क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन पोजीशंस हैं। ये पहला वाला होता है अपना एक्सीलेटर, ये होता है ब्रेक और ये होता है क्लच, मतलब ए बी और सी। ये उल्टा है लेकिन गाड़ी में ये होता है। एक्सीलेटर के जरिए हम अपनी गाड़ी की आरपीएम और स्पीड बढ़ा सकते हैं, मतलब पावर बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आरपीएम इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और ये बीच में जो सेंटर में है ये ब्रेक होता है, इससे हम अब गाड़ी की स्पीड स्लो और गाड़ी को रुका सकते हैं एक जगह पर। और ये होता है अपना क्लच, ठीक है। तो क्लच डाल के हमें अपना गियर हमेशा इंगेज करना चाहिए। तो हम बात करते हैं अब गियर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शाइन बने हैं, ये ऐसे जो साइन है 1, 3, 5, 1, 2, 4, 4 R, ये से मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, 4 R। ये जो 1 से लेकर 5 तक है ये फॉरवर्ड आगे के लिए है, और जो ये R है, R होता है रिवर्स यानी पीछे। आप देखिए जैसे मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा, यहाँ पर R लिखा शो रहा है और यहाँ पर दिख रहा है स्टॉप, क्योंकि पीछे मेरे ऑब्स्टेकल है। तो यहाँ पर ये पार्किंग सेंसर की काम है। तो अब बात करते हैं अब गाड़ी में गियर कैसे लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आप जब भी गियर एंगेज करें तो पहले आपको अपना क्लच पूरा दबाना है, फिर आप हम बात करते हैं अब गियर के बारे में, ठीक है। अभी गाड़ी अपनी स्टार्ट है तो पहला जो गियर है उसका डायरेक्शन है लेफ्ट की ओर करके आगे, ठीक है। तो ये गाड़ी अभी न्यूट्रल में है तो हमें अपने गियर को लेफ्ट की तरफ लेना है। ये हो गया अपना लेफ्ट, ऐसे लेफ्ट लेने के बाद आपको इसे बस नॉर्मल फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। तो ये अपना एंगेज हो गया फर्स्ट गियर। फिर से दिखाता हूँ, ये है अपना न्यूट्रल। न्यूट्रल के बाद आपको फर्स्ट गियर लगाना है, लेफ्ट की तरफ एंगेज करना है। तो ये लग गया अपना फर्स्ट गियर, ठीक है। अब फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा आरपीएम और जो पावर होती है वो गाड़ी को उठाने के लिए होती है। अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो वहाँ से आपको पुल अप करने के लिए फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड गियर, ठीक है। यहाँ पर जो सेकेंड गियर का साइन है वो है 1 से 2, जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में है। तो अभी आपका जो है फर्स्ट गियर लगा है, ठीक है। मान लो आपको फर्स्ट गियर लगा है तो सेकेंड डालने के लिए आपको नॉर्मली ये देखिए ये आ गया और ये अपना हो गया सेकेंड गियर। सबसे इजीएस्ट वे है, आप नॉर्मल आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट गियर। सेकेंड गियर डालने में आपको ऐसा डालना है, आप देखिए ये हल्का सा लेफ्ट, ये आ गया पीछे, ये आपका लग गया सेकेंड गियर। नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे पकड़े और बस हल्के से आपको लेफ्ट की ओर टिल्ट करके पीछे की ओर लाना है, तो लग गया आपका सेकेंड गियर, ठीक है। आप देख सकते हैं सेकेंड गियर लग चुका है। अब सेकेंड से थर्ड कैसे लाना है, यहाँ पर आप देखिए सेकेंड से थर्ड सीधा तो नहीं है, पहले आपको फ्रंट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर आगे जाना है, ये आपका हो जाएगा थर्ड। तो इजीएस्ट वे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसे अगर ये जो बीच का आप देख रहे लाइन है, बीच का लाइन मतलब आपको मतलब बीच का लाइन एक ही है और न्यूट्रल है, ठीक है। अब अगर हम बीच में लाएंगे तो ये हो गया न्यूट्रल, और थर्ड में लाने के लिए बस सीधा आपको आगे पुश कर देना है, तो आपका लग गया थर्ड। आपको ये नहीं कि गाड़ी चलाने के वक्त ऐसे किया फिर सीधा, ये नहीं करना। आपको बस करना है क्या है, आपको गियर नॉब को ऐसे पकड़ना है, ऐसे बस सिंपली आप डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
मैं फर्स्ट गियर से दिखाता हूँ आपको, ये अपना न्यूट्रल, ये फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर, और ये थर्ड, ऐसे डालना है बस। लग गया थर्ड गियर अपना, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड से फोर्थ। थर्ड से फोर्थ क्या है कि थर्ड से फोर्थ सीधा डायरेक्शन में पीछे लाना है, ठीक है। ये आप थर्ड गियर बहुत ही सिंपल है, बस सीधा ही लाना है पीछे, और आपका जो गियर नंबर है हल्का सा आपका हाथ राइट की ओर पुश होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको डाल के दिखाता हूँ फोर्थ गियर, ये ऐसे आपको लग जाता है फोर्थ गियर, ठीक है। ये थर्ड गियर है, गाड़ी चलाते वक्त आपको नॉर्मली ऐसे कर देना है, बस ये आपको लग जाएगा फोर्थ, ठीक है। ध्यान रखिए आपका हाथ उस तरफ ट्रेल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे डालेंगे तो आपको सेकंड गियर लग जाएगा, ठीक है। फोर्थ गियर डालेंगे, सिंपली ऐसे पकड़ा और पीछे डाल दिया, ये आपका लग गया फोर्थ गियर, ठीक है। ये न्यूट्रल, ये हो गया अपना फर्स्ट गियर, ये अपना सेकंड गियर, ये थर्ड गियर, ये फोर्थ गियर। अब बात करते हैं लास्ट गियर और फॉरवर्ड वाले डायरेक्शन में फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ गियर हमें कैसे डालना है, आप देखिए फोर्थ यहाँ पर है, आपको पहले आगे करना है, फिर राइट, फिर फ्रंट को लेना है, ठीक है। तो फिफ्थ गियर डालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपकी गाड़ी को ऐसे जो आपका गियर नॉब है सीधा करना है, तो ये हो गया अपना न्यूट्रल, आपको राइट की ओर टिल्ट करके आगे डाल देना है, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ गियर। गाड़ी चलाने के बाद कैसे डालना है, आपको ऐसे बस आप नॉर्मल ऐसे पकड़ो, आगे किया, राइट किया, आगे, ठीक है। बस यही हो गया आपका फिफ्थ गियर। आपको ये धीरे धीरे नहीं करना, खड़ी गाड़ी में आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे मैं अभी खड़ी गाड़ी में बैठा हूँ, ठीक है। फोर्थ गियर है ना, तो यहाँ से फिफ्थ डालने के लिए आपको बस ऐसा करना है, ये लग गया आपका फिफ्थ गियर, काफ़ी सिंपल है, बस ये लग गया फिफ्थ गियर, ठीक है। और फिफ्थ से फोर्थ लाने में क्या करना है, फिफ्थ से फोर्थ लाने के लिए हमें आपको ऐसे फिफ्थ से फोर्थ ऐसे सीधा ले आना है, ठीक है। ये देखिए फिफ्थ है तो फोर्थ ये है, ये होगा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये है फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर, ये थर्ड गियर सीधा, फोर्थ गियर भी ऐसे सीधा, फिफ्थ क्या हुआ आगे जाकर राइट जाकर फ्रंट, तो ये लग गया आपका फिफ्थ गियर। तो मैं आपको बता रहा था फिफ्थ से फोर्थ कैसे लाना है, ठीक है। ये आपका गाड़ी अभी है फिफ्थ गियर में, ठीक है। फोर्थ लाने के लिए आपको बस सिंपली ऐसे न्यूट्रल लाकर पीछे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ये आपको गाड़ी चलाते वक्त फोर्थ गियर लग गया, और फोर्थ से अच्छा ये है ना फोर्थ से थर्ड लगने आपको बस सिंपली आगे कर देना है ये फोर्थ, फिर ये हो गया अपना सेकंड, ये हो गया अपना फर्स्ट, बस सिंपल है। और रिवर्स लगने के लिए आपको न्यूट्रल करना होगा, मेरी गाड़ी में तो ऐसे मोस्टली गाड़ी में ऐसा ही लगता है कि बस न्यूट्रल करो, राइट किया और पीछे को पुश कर दिया, तो आपका लग गया रिवर्स गियर। देख सकते हैं आप गाड़ी में रिवर्स गियर लग चुका है, और बस यहाँ पर दिखा शो भी कर रहा है पीछे मेरे ऑब्स्टेकल है पार्किंग सेंसर के लिए, क्योंकि मैंने गाड़ी का कवर अभी खुला नहीं है, ठीक है। तो बस आपकी वॉल्यूम भी आप इसको बढ़ा सकते हैं ऐसे, तो बस न्यूट्रल करने के लिए बस सीधा आपको ऐसे सीधा कर देना है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो, और मेरी सजेशन है कि आप कभी भी ऐसे गियर डालो, डालने से पहले खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस कर लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इससे इजी होगी। क्योंकि काफ़ी बार लोग क्या करते हैं कि बार बार गियर को देखते डालते हैं, तो फ्रंट को ना देखकर यहाँ पर गियर में देखते हैं तो फ्रंट आपकी गाड़ी ठुक जाएगी ना, इसलिए जो भी मैं बता रहा हूँ आप इसे फॉलो कीजिए। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, बार बार गियर नॉब को देखता था, तो ये बाकी काफ़ी गलत बात है। और ये अपना और एक बात, ये है हैंड ब्रेक, ठीक है। अभी मान लो आपकी गाड़ी कहीं पर खड़ी है, स्लोप है या फिर खड़ी है, तो वहाँ पर हमें हैंड ब्रेक एंगेज कर देना चाहिए। तो हैंड ब्रेक क्या होता है, जो पीछे के दो टायर हैं उनको लॉक कर देता है, ठीक है, गाड़ी आपकी आगे पीछे कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। और बस यही था आज की इस वीडियो, और होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, और अगर पसंद आया किसी भी पॉइंट में तो इस वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल सतना व्लॉग्स को शेयर कर दे। तो टेक केयर, बाय बाय।